हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आफ्टरनून का टाइम है और अब मैं बनाने जा रही हूँ कुछ डिफरेंट। जो कॉम्बिनेशन मैं आज भी बनाने जा रही हूँ, शायद ही आप लोगों ने कभी सुना होगा, मुझे ऐसा लगता है, मगर अगर सुना हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ येलो राइस विद आलू बैंगन की सब्ज़ी, छोटे वाले जो बैंगन होते हैं वो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैं येलो राइस की तैयारी कर रही हूँ, तो वो दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, येलो राइस बनाने के लिए देखिए मैंने वॉक ले लिया है। अब इसमें 3 टेबलस्पून में ऑयल ऐड करूँगी। फ्रेंड्स देखिए, ऑयल हीट हो चुका है। अब इसमें मैं ज़ीरा डालूंगी, लेकिन पहले ये देखें, ये सूखी मिर्ची भी डालूंगी। इसको ज़रा से यहाँ से ज़रूर तोड़ दें, ऐसे थोड़ा सा। अगर ये नहीं तोड़ेंगे ना तो ऑयल में जाके ये फट सकता है, ऑयल सारा मुंह पे आ जाएगा। तो उसके लिए देखिए, 1 चम्मच मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, साथ ही ये सूखी मिर्ची। और अब इसमें जाएगा भर के ये 1 चम्मच हल्दी। और फौरन ही इसमें मैंने डाल दिया 1 गिलास पानी। और अब इसमें ऐड करूंगी मैं ये राइस, जिसे मैंने सोख करके रखा था आधे घंटे से। ऑयल में हल्दी डालने का रीज़न ये होता है कि उसमें से जो एक स्मेल होती है ना कच्चेपन की, वो नहीं आएगी। ऑयल में भुन जाने से सूली खुशबू हो जाती है, एक अच्छी सी वो रह जाएगा। अब इसमें मैं डालूंगी नमक, 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक थोड़ा हल्का ही रखना है राइस में, क्योंकि जो हम सब्जी बनाएंगे नमक तो उसमें भी होगा। और अब इसमें मैं पानी ऐड कर देती हूँ। तो देखिए, इसमें नमक पानी सब कुछ हो गया है। और अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी, तब तक जब तक इसमें बहुत अच्छे से बॉईल ना आने लगे। जब 2-3 अच्छे से बॉईल आ जाएगा तो स्लो फ्लेम पे इसको साइड में रख देंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, राइस में अच्छे से बॉईल आना शुरू हो गया है। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसको साइड पे कर देते हैं स्लो फ्लेम में 10-15 मिनट तक, या जब तक तब तक कि ये चावल अच्छे से पक ना जाए और पानी ना खुश्क हो जाए। तो इसको साइड कर देते हैं। और यहाँ पे लेते हैं हम अपनी दूसरी कढ़ाई। और अब हम बनाने जा रहे हैं अपने आलू बैंगन की सब्जी। के लिए देखिए मैंने ऐड किया इसमें ऑयल, इसमें भी जाएगा कम से कम 3 टेबलस्पून। इसको सही से एडजस्ट कर दूं। अब ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका भी ऑयल हीट हो गया है। अब इसमें भी मैं डालने जा रही हूँ 1 चम्मच जीरा। और ये 2 बड़े साइज के अनियन मोटा मोटा चॉप किया मैंने, ये ऐड कर देंगे।
स्किन के लिए इसको हम ऑयल में भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 30 सेकेंड्स हो गए हैं इसको ऑयल में डाले हुए प्याज को। अब मैं इसमें साथ में ही बैंगन ऐड कर दूंगी ताकि बैंगन और प्याज एक साथ भूनते रहे। देखिए ये छोटे वाले बैंगन होते हैं जो, इस तरह से मैंने कट किया इसको और पानी में भिगो कर रखा था मैंने लगभग एक घंटा। अब इसमें ऐड कर देते हैं इसको। और इसको ऐसे ही हम 2-3 मिनट तक ऑयल में भूनेंगे तब तक हमारी प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और बैंगन पे भी जो एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे 2-3 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स देखें बैंगन को ऑनियन में भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए और अच्छे से ये भून भी गया है। और राइस भी हमारे पकने वाले हैं, बस एक दो बार उलट पलट कर दिया था बीच में। और अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें आलू ऐड कर दूँ। तो मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया है। अब इसमें डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट ना ख़त्म हो गया था तो जिसे मैंने अभी अभी पीसा है, तो थोड़ा सा पानी इसमें भी मैं डालूंगी। और इसे भी उन्हें पानी में नहीं पकाना, ऑयल में और टमाटर के पानी में ही पकाना है। तो अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। देखिए ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। टमाटर जितना ज़्यादा हो उतना ही टेस्टी होता है बैंगन की सब्ज़ी में। और अब ड्राई मसाले 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 इसमें नमक ऐड कर दूँ, इसमें भी 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और 1/2 चम्मच 1.5 चम्मच टोटल। और लास्ट है जीरा पाउडर, ये भी 1 चम्मच। सारे मसाले आ गए इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम इसको ढक के पकाएंगे। कब तक? जब तक कि बैंगन आलू अच्छे से टेंडर नहीं हो जाते हैं। इसको ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। देखिए काफ़ी अच्छे से टेंडर हो चुका है और आलू भी अच्छे से टेंडर हो गया है। देखिए छूटे टूट रहा है। तो यानी हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। फाइनल में इसको अब धनिया के पत्ती से गार्निश कर देती हूँ। और इसका फ्लेम कर देते हैं ऑफ। अब दिखाते हैं आपको चावल की क्या पोजीशन है। तो फ्रेंड्स ये देखें धुआंधार येलो राइस हमारा बनके तैयार है। एक बार इसको ऊपर नीचे चला देते हैं। तो ये हमारे खिले खिले येलो राइस बनके तैयार हैं और थोड़ी सी धनिया पत्ती से इसको भी गार्निश कर देते हैं।
फ्रेंड्स देखिए फाइनल हमारे राइस और वेजिटेबल बनके तैयार हो गया है और इसका फाइनल लुक मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप शूटिंग कर रही हैं? हाँ, वालेकुम सलाम। आ गए स्कूल से? आज लंच में क्या बनाया? लंच में बनाया मैंने येलो राइस एंड बैंगन की सब्जी। हाँ, यम्मी लगता है मुझे। हाँ, बैंगन की सब्जी। चलो मुँह धो लो, फिर मैं आपको लंच भी खाती हूँ, ठीक है? ओके, जाओ हाथ में धो लो चीज़ें। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको सर्व करके। तो फ्रेंड्स देखें फाइनल हमारा ये देखें, बैंगन की सब्जी और येलो राइस विद सैलेड तैयार है हमारा लंच। तो जी अगर जो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।